तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड क्या होते हैं और उनके कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उसी के साथ में कुछ वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था गैसेस कितनी हैं, लिक्विड कितने हैं, सॉलिड कितने हैं, और वहाँ पर कुछ हम लोगों ने देखा था इसी के बारे में कुछ और पॉइंट। ठीक है, आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ लिया था कि पीरियड के बारे में कितने पीरियड होते हैं और कौन से पीरियड में किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा पीरियड के बारे में, अब थोड़ा हम लोग ग्रुप के नाम से और जान लेते हैं ग्रुप के बारे में, यानी वर्ग या समूह संख्या के बारे में। ठीक है, इसको हिंदी में नाम देते हैं समूह संख्या या वर्ग। क्या बोलते हैं? या वर्ग। ठीक, इसके बारे में हम लोग और आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में जिसके जिसको उसके ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर फर्स्ट ए के बारे में, तो फर्स्ट ए को जो नाम देते हैं वो हम लोग नाम देते हैं एल्केली मेटल्स। क्या नाम देते हैं? एल्केली मेटल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षारीय धातुएं। अब इसको क्षारीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो तत्व होते हैं क्षारीय तत्व बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय, बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स में कौन कौन आ जाएंगे आपके? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक, हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट ए है, तो यहाँ पर एक इसी के साथ ऐड होता है फर्स्ट बी। ठीक है, और इसको हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट बी को कोइनेज मेटल। क्या नाम देते हैं? कोइनेज मेटल। अब इसके मतलब हिंदी में बोलते हैं मुद्रा धातुएं। क्या बोलते हैं हम लोग? मुद्रा धातुएं। मुद्रा में जिसकी मुद्राएं बनती हैं, ठीक है, पहनते हैं हम लोग जो है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, इसमें कौन कौन लोग आते हैं। मुद्रा जो एग्जाम्पल आते हैं इसमें जो है वो आपका आता है कॉपर, एजी और आपका एयू। ठीक है, ये है जिसके ये जो कॉइन्स वगैरह हम लोग पहनते हैं, रिंग वगैरह इसकी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइनेज मेटल। तो ये पूछा जाता है कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कोइनेज मेटल्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट बी इज आल्सो नॉन एज कोइनेज मेटल, एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक, अब यहीं पर अब बात आती है सेकेंड ए के बारे में। तो जो सेकेंड ए है यहाँ पर उसको हम लोग नाम देते हैं एल्केली अर्थ मेटल्स। क्या नाम देते हैं? एल्केली अर्थ मेटल्स। हिंदी में इसको नाम देंगे, एल्केली मीन्स यहाँ पर क्षारीय और अर्थ मीन्स होता है मृदा, तो इसको हिंदी में नाम देते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं। क्या नाम देते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, चलिए इसमें एग्जाम्पल आपके जो आते हैं वो सेकेंड ए में कौन कौन लोग आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, हम लोग यहीं पर बात करते हैं, मतलब ये ऐसे ग्रुप हैं जिनको किसी नाम से जाना जाता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर पॉइंट ही पूछे जाते हैं कौन कौन से स्टेट परीक्षा पूछ देते हैं, निम्न में कौन सा ऐसा जो एल्केली मेटल्स है, इतिहास को एग्जांपल दिया जाएगा। इसमें हाइड्रोजन नहीं लिया गया, चूंकि हाइड्रोजन मेटल्स फर्स्ट ए एंड नॉन मेटल्स हैलोजन फैमिली सेवेंथ दोनों में उसको रखा जाता है। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे इसी में फिफ्थ ए के बारे में। क्या बात करेंगे यहाँ पर? फिफ्थ ए के बारे में। फिफ्थ यहाँ पर बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली के लोग आते हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं निकोजंस। क्या नाम देते हैं? निकोजंस एलिमेंट्स। ठीक है, निकोजंस एलिमेंट। अब निकोजंस, निकोजंस का मतलब ये होता है, इसको इसका मतलब होता है सफोकेटिंग, मतलब इसके जो एलिमेंट होते हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? सफोकेटिंग। जैसे आपका इसमें आता है, मान लीजिएगा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो देखा होगा यहाँ पर इसका कंपाउंड अमोनिया है, एक अजीब सी उसकी स्मेल आती है, ठीक है, सफोकेटिंग। फॉस्फीन है, उसकी अजीब गंदा, मतलब इसे जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? सफोकेटिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं निकोजंस। ठीक है, और ये कैसे होता है लिख सकते हैं इसको, चोकिंग गैस फॉर्मेशन, चोकिंग गैस फॉर्मेशन, या बोलते हैं यहां पर जो है इसको निकोजंस। ठीक है, अब यहां पर नंबर आता है सिक्स्थ ए। सिक्स्थ ए को हम लोग जो बोलते हैं, नाम देते हैं सिक्स्थ ए। सिक्स्थ ए में कौन कौन लोग आएंगे? ऑक्सीजन फैमिली के। तो
ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं आपके ओर, ओर फॉर्मिंग लोग होते हैं। ओर मीन्स अयस्क, तो ये कैसे होते हैं, ओर फॉर्मिंग, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। तो इसको नाम देते हैं चैलकोजंस। क्या नाम देते हैं, चैलकोजंस, या इसको पढ़ते हैं कैलकोजंस, जो भी आप पढ़ना चाहें, ठीक है, कैलकोजंस। तो ये पूछा जाता है कैलकोजंस एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ सिक्स्थ ए ग्रुप आल्सो नोन एज कैलकोजंस बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर ओर फॉर्मिंग, क्योंकि ये क्या करते हैं, अयस्क का निर्माण करते हैं। तो ये हमने लिख दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलकोजंस, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं कैलकोजंस। यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक। अब यहीं पर एक और आता है लास्ट सेवंथ, हेलोजन, उसको बोलते हैं साल्ट फॉर्मिंग। आप ये नीचे लिख सकते हैं, यानी जो आपका सेवंथ नंबर है, सेवंथ ए नंबर जो है वो आता है हेलोजन, और उसको बोलते हैं साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। क्या नाम देते हैं, साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ये हमारे कैसे होते हैं, हैलोजन, जैसे इसमें एग्जांपल आपका आता है फिर कल बाहर आई, ठीक है, फिर कल बाहर आई, मतलब इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। तो यहाँ पर ये चीज आपकी हो गई, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट यहीं पर देखेंगे, इसी आगे टॉपिक में आगे चलते हैं। देखिए, हटा दो इसको, चलिए, तो ये हमारे हो गए जनरली जो भी ग्रुप के नाम से पूछे जाते हैं वो पॉइंट है। अब हम लोग चलते हैं इसी में आगे और कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज इसके बारे में, उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगली आप हेडिंग लिख लीजिए, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, हटा दें इसको। चलिए, अगला यहाँ पर पॉइंट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, यानी आवर्त और समूह के लक्षण। यहाँ से कुछ पॉइंट होंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट है करैक्टर्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, वर्ग और समूह के लक्षण, ठीक है। कुछ पॉइंट हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं और ये हमारा जो है बेस भी मजबूत करेंगे। हमने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में जब भी लेफ्ट से राइट तरफ चलते हैं तो उनको हम लोग पीरियड बोलते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स इन ए पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम्स इन ए पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। चलिए, हम लोग देखते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पीरियड और वर्ग के यहाँ पर लक्षण क्या होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम लोग लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर लिखते हैं करैक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर जब पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे करैक्टर्स ऑफ पीरियड, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग पीरियड, और ये जो नीचे लिखेंगे वहाँ लिखेंगे इस ग्रुप के बारे में। तो हम लोग यहाँ ये वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर पीरियड, और वर्टिकल कॉलम है वो हमको क्या लिख दिया यहाँ पर, ग्रुप। तो हम यहाँ पर करैक्टरिस्टिक देखने पड़ेंगे कौन कौन से यहाँ पर करैक्टर्स होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम ये जानते हैं कि पीरियड में जब भी हम लोग कोई एक पीरियड लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख लिया लिथियम, बेरिलियम, लिबेबा का नो और फनी, ये लिख लिया, ठीक है, लीबे बकनो फनी, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप ये समझिए, ठीक। ये हमारा जेड एचकल टू है, तो यहाँ पर ये क्या है, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 3, 4 हमको पता है, ऑन मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर 1 by 1 आर इंक्रीज, जब भी हम लोग बांझ ना जाते हैं तो परमाणु क्रम एक एक करके बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम लोग इन ए पीरियोडिक टेबल जेड एचकल टू इंक्रीज 1 by 1, इसका मतलब समझ लगे बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक एक एक बढ़ता है, इंक्रीज 1 by 1। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 by 1 बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट में इसका इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, कैसे, मान ली इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 2:1 इतना आता है, ठीक है, यहां करेंगे तो 2:2, 2:3, 2:4 और 2:5, यहां हो जाएगा 2:6, यहां हो जाएगा 2:7 और 2:8। अब आप ये देख रहे हैं आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 by 1 बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
आउटर मोस्ट लेक्टान किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो आउटर मोस्ट लेक्टान पर डिपेंड करेंगी। तो इसका मतलब जब इसमें इलेक्ट्रॉन सभी में आउटर में डिफरेंट होंगे तो पीरियड में जो एलिमेंट होंगे उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, वेरिएबल यानी अलग अलग, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होंगी। रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वन, यहाँ पर कुछ अलग प्रॉपर्टी होंगी, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अलग प्रॉपर्टी होंगी। तो आप ये समझ गए हैं कि आउटर मोस्ट में इसमें पीरियड में जेड इक्वल टू बढ़ता है 1y1, तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा 1y1, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी उसी क्रम में वेरिएबल होंगी, तो इसको हम हटा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसी में आगे नंबर, ठीक। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वेरिएबल मीन्स क्या होता है, चेंजेबल, अलग अलग होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ दो पॉइंट आ जाते हैं, जेड इक्वल टू, अब देखिएगा हमको यहाँ पर ग्रुप लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पर है लीना के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका नंबर 3 है, इसका नंबर क्या है हमको पता है, जब हम लोग ग्रुप में नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक नई बात आपको बता देता हूँ, जब भी हम लोग ग्रुप में नीचे चलते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए 8, 8, 18, 18, 32 ऐड कर देते हैं, और इसी का हम लोग नाम देते हैं, कल हमने आपको बताया था, इसी को नाम देते हैं मैजिक नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जादुई संख्या है, इसको हिंदी बोलते हैं जादू संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। कल हमने ये चीज़ नहीं बताई थी पिछले वीडियो में, लेकिन यहाँ पर ये याद आ गई है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि मैजिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कैसे पता करेंगे, ये एस ब्लॉक के लिए है, और जब पी ब्लॉक में निकालना हो तो 8, 18, 18, 32 आप ये ऐड कर दें एटॉमिक नंबर में, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर निकल आएगा, ठीक। तो देखिए LINAKRB और यहां पर हो जाएगा CGM। अब कैसे, यहां पर 3 है, 8 ऐड किया तो यहां पर हो जाएगा 11, फिर ऐड किया तो हो जाएगा यहां पर 19, फिर ऐड किया हो जाएगा 37, फिर यहां पर ये ऐड किया तो क्या आ जाएगा यहां पर आपका 18, है ना, 8, 7, 15, 5, और यहाँ पर हो जाएगा 8, 7, 15, 5, ठीक है, और 3, 1, 4, 1, 5, 55, और यहाँ पर नीचे क्या है, फ्रांसियम, तो यहाँ पर 32 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 87, यहाँ कितना हो जाएगा 87, देखिए आ गया। तो हम इसको बोलते हैं ऑल्सो नॉन एच मैजिक नंबर। हमने क्या किया, एस ब्लॉक एलिमेंट में इतना ऐड करेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर आ जाएगा, पी ब्लॉक में इतना ऐड करेंगे तो वहां पर हमारा उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे उसी में जहां पर पॉइंट आता है उसके बारे में। देखिए एक्चुअली हम किसी भी ग्रुप में देखते हैं एटॉमिक नंबर, यहां पर कितना, देखिए 3, यहां कितना है 11, यहां कितना है 19, तो इन ए ग्रुप एटॉमिक नंबर आर इंक्रीज वेरी फास्ट। तो ये कह सकते हैं कि ग्रुप में जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत तेजी साथ बढ़ते हैं। तो ये लिख सकते हैं जेड इक्वल टू इंक्रीज कैसा, वेरी फास्ट, यानी बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, ठीक है। तो अब हम ये पॉइंट यहां पर देखते हैं इसी क्रम सीरीज में, अगर यहाँ पर जेड इक्वल टू बढ़ेगा तेजी के साथ में तो इसके प्रॉपर्टी जो होंगे वो कैसे होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। देखिए मतलब प्रॉपर्टी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेम होगी, प्रॉपर्टी कैसी होंगी, सेम होंगी। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 1y1 इंक्रीज करता है तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, आर सेम होते हैं, आर सेम। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा, लिथियम सोडियम पोटेशियम कोई मान लीजिएगा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब मतलब इसका क्या, कोई भी आप ग्रुप ले लें तो देखिए इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 11 है, इसका नंबर 19 है, ठीक है, इसका नंबर कितना है आपका 4 है, इसका नंबर कितना है 12 है, 20 है। तो फर्स्ट एक ही एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट हो आउटर मोस्ट में NS1 होगा, इसमें NS2 होगा, क्योंकि ये सेकंड ए ग्रुप का है, यहाँ पर S ब्लॉक का फर्स्ट एक है, तो जितने इसका क्या 3 है, तो 1s2 2s1, यहाँ पर कितना हुआ 2s1, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 और कितना हो जाएगा 3s1,
यहाँ पर जाएगा 1s2 2s2, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3s2, यहाँ पर हो जाएगा 2s2। अब यहाँ से दो चीज निकल करके आ रही हैं, ये जो n की वैल्यू है ये वाली ग्रुप में n की वैल्यू जो है वो कैसी होती है, इंक्रीज करती है ओनली 1y1, मतलब n की वैल्यू है 1 बढ़ती है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, तो इसका नंबर होगा यहाँ पर लास्ट वाले 4s2, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा आपका 5s2, यहाँ पर 3s1, यहाँ पर लास्ट वाला होगा क्या होगा 4s1। ठीक है, अब इस केस हमारा ये है, यहाँ से दो पॉइंट निकल करके आ गए कि आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन जब सभी एलिमेंट के सेम होंगे तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सभी की कैसी होंगी, सेम होंगी। एन की वैल्यू यहाँ पर कैसी होगी, 1y1 बढ़ेगी, लेकिन यहाँ एन की वैल्यू होगी कैसी होगी, 1y1 इंक्रीज करेगी। ठीक, चलिए यहाँ तो हमने ये देख लिया है कि ग्रुप में इन ए ग्रुप आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर सेम, सो ड्यू टू दिस रीजन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट अप्रोक्स सेम। ठीक, अब देखिएगा एंड अब लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस रीजन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अप्रोक्स सेम, मतलब इनके जो भौतिक रासायनिक गुण कैसे होंगे, लगभग सेम होंगे। अगला हमने पॉइंट यहाँ पर क्या बनाया है, अगला पॉइंट ये बनाया है एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी 1y1। अब ये एन मीन्स जानते हैं क्या होता है, इसी हम लोग बोलते हैं रेडियस। कैसे, ये न्यूक्लियस है, ये आउटरमोस्ट सेल है, तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस से लेकर के यहाँ पर लेकर के ये आउटरमोस्ट तक की डिस्टेंस होती है उसको नाम देते हैं रेडियस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो ग्रुप में रेडियस इंक्रीज करेगी, रीजन एन मीन्स वैल्यू बढ़ेगी, तो पीरियड में रेडियस कैसी होगी, डिक्रीज होती है, रीजन क्या होता है, एन की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं एन की वैल्यू के बारे में, और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बात कर लिया तो हम लोग बात करेंगे एन के बारे में। कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक, अब उधर ये देखेंगे कि हम लोग एन की वैल्यू कैसे पता चलेगा सेम होती है, तो ऐसा करते हैं इसका नंबर है 3, तो 1s2 2s1, तो यहाँ लास्ट में क्या आया 2s1, एन मीन्स कितना होगा यहाँ पर 2, यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा 2s2, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2, कहीं भी आप लिख लीजिएगा। इसका नंबर 6 है, तो 1s2 यहाँ हो जाएगा 2s2, यहाँ हो जाएगा 2p2, एन मीन्स एन की वैल्यू 2, किसी के लिख लीजिएगा, यहाँ इसका नंबर है 9, तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p6, यहाँ 2p कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 और 4 9। ठीक है, तो यहाँ पर एन मीन्स कितना हुआ 2। अब आप देखिएगा पीरियड में एन की वैल्यू है वो कैसी है, कांस्टेंट है, तो ये पूछा जाता है कि एन की वैल्यू वेरिएबल और उसमें कितनी होती है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। और यही एन की वैल्यू इज इक्वल टू बताती है, जितनी एन की वैल्यू होती है वही होता है आपका पीरियड का नंबर, एन मीन्स पीरियड नंबर। पूछा जाए कि फ्लोरीन नंबर एटोमिक नंबर 9 है तो ये किस पीरियड का होगा, एन की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो ये होगा सेकेंड पीरियड का। ठीक, एन की वैल्यू 3rd हो, 3rd पीरियड, एन की वैल्यू 4 हो, 4th पीरियड, जितनी एन की वैल्यू होती है वही डिपेंड, वही आपको बताएगा वहाँ पर पीरियड। फिलहाल हम लोग ग्रुप और ग्रुप नंबर पीरियड नंबर देखेंगे ऑफ वाउ रूल उसके एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन काफ़ी स्टूडेंट्स इसको बेसिक है, निकाल नहीं पाएंगे इसलिए। ठीक, चलिए अब इसको हटा दें हम लोग। ठीक है, तो ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई कि पीरियड क्या लक्षण होते हैं, आवर्त के और वर्ग के लक्षण क्या होते हैं। अब देखेंगे यहीं पर हम लोग जो है इसी में वैलेंसी के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वैलेंसी ऑफ वैलेंसी इन ए पीरियड, आवर्त में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी क्या होती है और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी क्या होती है, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग जो है वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के सापेक्ष में संयोजकता, इसको हिंदी में बोलेंगे हाइड्रोजन के सापेक्ष में संयोजकता, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इन ए पीरियड, इन ए पीरियड, और ये केवल वैलिड होती है शॉर्ट पीरियड में, तो लिख सकते हैं इन ए ओनली शॉर्ट पीरियड। आपको शॉर्ट पीरियड पता होंगे, शॉर्ट पीरियड कौन कौन लोग होते हैं, हमने आपको बताया था शॉर्ट पीरियड हम लोग हिंदी में नाम लेते हैं लघु आवर्त।
ठीक है। और कौन कौन होते हैं, यहां पर आपके होते हैं सेकेंड पीरियड एंड होते हैं आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। तो अब ये देखेंगे यहां पर, इसमें मान लिया मैं यहां पर कोई एक लिख लेता हूं, एलिमेंट लिख लेते हैं, उनके बना लेते हैं हाइड्राइड, तो आपकी आ जाएगी बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मान लिया मैं यहां लिख लूं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब इसके बना लेते हैं हाइड्राइड, तो इसका हाइड्राइड बनेगा आपका एल आई एच, क्योंकि एल आई पर फर्स्ट ए प्लस वन चार्ज होता है, इस पर माइनस वन, ठीक है, इस पर प्लस टू चार्ज होता है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, प्लस टू चार्ज एच पर माइनस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी ई एच टू, ठीक है। इसका बनेगा बी एच थ्री सी एच फोर। देखिए अब आप इसे बना लेंगे, चलिए हटा दो इसको, तो यहां पर आपका आ जाएगा एल आई एच, यहां पर आ जाएगा बी ई एच टू, यहां आ जाएगा बी एच थ्री, इसको हम लोग डाइमर बनाते हैं तो उसको डाइबोरॉन भी बोलते हैं, यहां हो जाएगा सी एच फोर, यहां हो जाएगा एन एच थ्री, यहां हो जाएगा एच टू ओ, यहां हो जाएगा एच एफ, ठीक। अब ये देखेंगे वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यहां पर होगी वन, टू बॉन्ड है तो टू होगी, यहां पर थ्री बॉन्ड होंगे बी एच थ्री में, तो जितने बॉन्ड उतनी बैलेंसी, तो ये हो जाएगी थ्री, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग इसकी बैलेंसी हो जाएगी थ्री, यहां हो जाएगी फोर। अब देखिएगा यहां कितने हैं, थ्री, तो यहां थ्री बॉन्ड होंगे तो थ्री हो जाएगी। अब यहां कितना है, टू और वन। अब हम ये देखते हैं, ये फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए फोर्थ ए, ठीक है। आपको दिखा देते हैं प्रोडक्ट टेबल, उसमें आप ये देखेंगे कि प्रोडक्ट टेबल में फर्स्ट ए से लेकर के और ये सेवन ए तक के एलिमेंट हैं, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं हम प्रोडक्ट टेबल, तो आपको चीजें जो है समझ में आ जाएंगे। अब आप ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट टेबल मेरे पास में है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए ये फर्स्ट ए है, सेकेंड ए है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, जीरो ग्रुप, ठीक है। इसी को हम लोग एट्थ अठारह बार बोलते हैं। तो अब ये देखेंगे सेवन्थ तक, यानी फर्स्ट ए के से लेकर के सेवन्थ तक इसकी वैलेंसी होती है विद रिस्पेक्ट हाइड्रोजन आर इंक्रीज। तो ऐसे लिख सकते हैं इसके पॉइंट में, यहां पर इसको हटा दो ऊपर, ठीक है। देखिए एक ये बोल सकते हैं कि इस वाले में कंडीशन में यहां पर क्या है, ये हमारा है फर्स्ट ए, सेकंड ए, और ये है हमारा थर्ड ए, ये है हमारा फोर्थ ए, ठीक है, फोर्थ ए, और यहां पर है आपका फिफ्थ ए, और ये है सिक्स्थ ए, और यहां पर है सेवन्थ ए, सेवन्थ है। अब ये देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वैलेंसी इन ए पीरियड फर्स्ट टू फोर तक कैसी होगी, इंक्रीज, मतलब एक से चार तक कैसी होगी, बढ़ गई। ये आता है फर्स्ट फर्स्ट ए, यानी फर्स्ट ए टू फोर्थ ए कितनी होती है, वन टू फोर, मतलब इंक्रीज। आल्सो फिफ्थ ए टू सेवन्थ है कैसी हो जाएगी, डिक्रीज, मतलब पांच ए से लेकर के और आपका सेवन्थ ए तक कैसी होती है, घटती है। तो यहां पर हो जाएगी थ्री टू वन, ऐसे आता है फर्स्ट ए कितने से कितने तक बढ़ती है, तो फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक बढ़ेगी, फिर सिक्स्थ ए से सेवन्थ ए तक घटेगी। आप समझ जाएंगे, ये पॉइंट यहां पर पूछे जाते हैं कई बार ये परीक्षाओं में कि हाइड्रोरिस्पेक्ट में क्या होती है, तो ये केवल शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यानी सेकेंड और थर्ड के लिए एप्लीकेबल है, अदर किसी में एप्लीकेबल यहां पर हाइड्रोरिस्पेक्ट में नहीं है। अब हम लोग यहीं पर देखेंगे विद रिस्पेक्ट ऑक्सीजन, तो आप हेडिंग लिख लीजिएगा अगला नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता के बारे में कुछ पॉइंट, तो यहां पर हम लोग आ जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं, देखिए वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता। देखिए मान लो मैं यहां पर कोई एक ले लेता हूं, मान लो हमने वहां सेकेंड पीरियड लिया था, यहां ले लेते हैं थर्ड, तो सोडियम ना मांगे अल्लासी प्यारी सकल, ठीक है, ना मांगे अल्लासी प्यारी सकल, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ये हमारा फर्स्ट ए है, ये सेकेंड ए है, ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए है, उसी के नीचे वाले एलिमेंट है, और यहां पर ये है आपका फिफ्थ ए, और यहां पर ये है सिक्स्थ ए, और ये यहां पर है आपका सेवन्थ ए, ठीक है।
चलिए हम लोग यहां पर ये देखेंगे इस केस में, इसके बना रहे थे ऑक्साइड। चूंकि हमें क्या देखना है ऑक्सीजन रिस्पेक्ट में, तो क्या बनाने होंगे ऑक्साइड। ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, ऑक्साइड पर होता आपका टू माइनस। अब किसी को बनाना हो, मान लो हमें सोडियम बनाना है, तो यहां पर इस पर होगा वन पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव, तो हो जाएगा Na2O। कैसे बनाएंगे, Na1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दो इधर आ जाएगा एक इधर, तो ये हो जाएगा Na2O। मान लो बनाना है एल्युमिनियम का, तो यहाँ पर है 3 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये 2 इधर 2 3 इधर, तो हो जाएगा Al2O3। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसके ऑक्साइड। ठीक, चलिए अब यहाँ देखेंगे, यहाँ बनेगा आपका MgO, यहाँ बनेगा Al2O3, और यहाँ बनेगा SiO2, यहाँ बनेगा P2O5, यहाँ बनेगा SO3 इसका, और यहाँ पर बनेगा Cl2O7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड विद रिस्पेक्ट ऑक्सीजन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसके सापेक्ष में यहाँ पर जो वैलेंसी होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। यानी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वैलेंसी इन ए पीरियड फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ आल्सो इंक्रीज। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे एक से लेकर के सेवंथ ए तक लगातार वैलेंसी कैसी होती है, बढ़ती है। एक से लेकर के सात तक कैसी होती है, बढ़ेगी वैलेंसी। बस यहाँ पर यही पॉइंट पूछा जाता है कि कितने ग्रुप से लेकर कितने ग्रुप तक विद रिस्पेक्ट हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट देखा जाए तो फर्स्ट लेकर फोर्थ तक बढ़ेगी, ऑक्सीजन देखा जाएगा यहाँ पर फर्स्ट लेकर यहाँ पर घटेगी। ठीक, चलिए हालांकि ग्रुप नंबर यहां पर हम बताते हैं आपको, लेकिन अभी आपको अफवाह रूल नहीं आता है, तो मुझे अफवाह रूल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे कि यहां पर अफवाह रूल अकॉर्डिंग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहां पर पॉइंट हो गए। अब हम लोग यहीं पर बात करेंगे, एक आपका है डोवे राइनर ट्राइड लॉ, तो हेडी लिखिएगा नेक्स्ट डोवे राइनर ट्राइड लॉ। कुछ पॉइंट यहां से पूछे जाते हैं तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी में बोलते हैं डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, क्या नाम देंगे, डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत, डोवे राइनर। ठीक है, डोवे राइनर, डोवे राइनर ट्राइड लॉ, इसको हिंदी हम लोग बोलते हैं डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत, डोवे राइनर, NIER। ठीक है, डोवे राइनर हिंदी में इसको नाम देते हैं डोवे राइनर। अब देखिए ये क्या कहता है, डोवे राइनर का जो ट्राइड एलिमेंट है वो ये कहता है कि किसी भी, ये अच्छा केवल एप्लीकेबल होता है ओनली इन ग्रुप। पहली पॉइंट ये है, एप्लीकेबल ओनली इन ग्रुप, यानी केवल किस में लागू होगा, वर्ग में, पीरियड में ये जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ये कहता है इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप कंटिन्यूसली थ्री एलिमेंट्स आर कॉल ट्राइड एलिमेंट। मान ली मैं यहाँ पर ले लूँ Li NaK। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ट्राइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं ट्राइड एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं, ट्राइड एलिमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिक तत्व। क्या नाम देते हैं, त्रिक तत्व। ठीक, अब ये पूछा ट्राइड एलिमेंट कौन से होते हैं, तो किसी भी ग्रुप में, मान लो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यहाँ ले लेंगे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ब्रोमीन। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, ये भी ट्राइड एलिमेंट है, ये भी ट्राइड एलिमेंट है। अब इसका ये कहता है इन ए ट्राइड एलिमेंट्स ऑफ एन ए ग्रुप द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसके एटोमिक वेट, इसके एटोमिक वेट का हाफ इसके उक्कल होती है। ठीक है, अब आप ये बताइएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 7, इसका है 23, इसका है आपका 39। मतलब इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड एटॉमिक वेट का हाफ होगा। इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 39 / 2, तो हो जाएगा 23, यानी 44/2 = 23। तो ये किसका निकल आया, बीच का, पहले तीसरे का जो परमाणु भार है उसका आधा है किसके बराबर होगा, 20 के। यहाँ जाइए, इसका नंबर है 4, तो ये हो जाएगा 8, इसका है 24, इसका है आपका कैल्शियम 40, 40 और 8 = 48, तो हो जाएगा 48/2, कितना हो गया ये आपका 24। ठीक है, 24 × 2 = 48, तो यहाँ हो जाएगा 4, ये इसके बराबर हो गई। ठीक, अब आप इस केस में अगर देखें तो क्या यहाँ पर ये पूछेगा
इसमें एप्लीकेबल होगा, आप ये देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बना, ओनली एप्लीकेबल इन ए ग्रुप, ठीक है, किसमें लागू हो, केवल ये ग्रुप में लागू होगी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में लागू होने के बाद तो अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें ट्राइड एलिमेंट कौन होते हैं। तो ये देखेंगे हम लोग ट्राइड एलिमेंट में कि इसमें आपका फ्लोरीन है तो इसका नंबर हुआ आपका 17, 9, ठीक है, 19 इसका हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन को था 80। अब आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 99 और वटे 2। तो देख क्या ये इसके बराबर हुआ, नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो रूल है लगता है ओनली जेड इजकल टू 20 तक, मतलब केवल एटॉमिक नंबर 20 तक ही एप्लीकेबल होता है, इसके बाद एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, चूंकि यहाँ पर इस नंबर इसका 9 है, 9, 8, 17 है, और इसका नंबर आपका है 35, तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी उस एलिमेंट्स का ये एप्लीकेबल नहीं होगा जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है, उसमें ये जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इस वाले में, इन ए ट्राइड एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट इज टू फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसको। यहाँ पर यही समझना था कि जो इसकी जो बीच का एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी वो फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक वेट के हाफ होती है, ओनली एप्लीकेबल इन ए ग्रुप एंड अप टू जेड इक्वल टू 20, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेंगे, केवल ये पूछते हैं कि कई बार इसकी डेफिनेशन क्वेश्चन उठा लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, कौन से एटॉमिक नंबर तक या किस एटॉमिक नंबर में एप्लीकेबल होगा, ठीक। अब यहीं पर एक नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है, आप लिख सकते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। क्या लिखते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या बोलते हैं इसको, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये भी आपका जो है जेड इजकल टू 20 तक होता है, और किसमें एप्लीकेबल होता है, इन ए पीरियड, इन ए पीरियड आवर्त केवल लागू होगा और कांतो प्रमाण क्रमांक ये होगा। अब देखिए ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑन मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू 8 एलिमेंट। ये है ऑक्टेव, ऑक्टेव मीन्ट 8, तो एक फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी, 8 तक। हम एग्जांपल लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। इनर्ट गैस को हम लोग वहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ बात करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। चूंकि 20 तक लागू होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं 19 पोटेशियम, और यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम। अब 21 किसका, स्कैंडियम, यहाँ से हो जाता है 3D स्टार, इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा चूंकि इसका नंबर 21 कहाँ तक लागू होगा, ओनली अप टू 20 नंबर तक, ठीक। अब ये देखिएगा कहीं से आप काउंटिंग करिएगा, काउंटिंग फ्रॉम एनी वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू 8 एलिमेंट। मान लो मैंने यहाँ पर काउंटिंग किया, तो यहाँ पर अगर काउंटिंग हम लोग करेंगे तो मान ली हमने यहाँ पर काउंटिंग किया तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यानी जो प्रॉपर्टी बेरिलियम की होगी वो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम होगी। ऐसा क्यों, ये एक ही वर्ग के हैं, जब एक ही ग्रुप के होंगे तो इनके आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, आउटमोस्ट जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इनकी प्रॉपर्टी भी बताया था कैसी होंगी, सेम होंगे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ बेरिलियम की प्रॉपर्टी किस एलिमेंट साथ मिलेगी, तो क्या करेंगे आप उसी नीचे वाला। देखिए इसमें सबसे बड़ी तरीका है, जिसमें क्वेश्चन पूछे उसमें 8 जोड़ दो आप, ठीक है, 8। मान लो यहाँ पर नंबर कितना है, 4, 4 में यहाँ 8 जोड़ा कितना हुआ, 12, 12 किसका, मैग्नीशियम, तो यहाँ प्रॉपर्टी आ जाएगी। मान लो पूछा कार्बन का न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ अकॉर्डिंग कार्बन की प्रॉपर्टी किस एलिमेंट से साथ मिलेगी, तो इसका नंबर कितना है, 6, 6 में 8 ऐड कर दो कितना हुआ, 14, 14 किसका हुआ, सिलिकॉन। आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। फास्फोरस काउंट करिएगा, 1, 2, 3, यहाँ काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कहाँ गया। अब ये रीजन क्या है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और एक ही ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होती है, हमेशा सेम होती है। तो हम लोग यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या है, वैलिड होता है अप टू
20 नंबर तक। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेंगी? इसी से जुड़ेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रहे यहाँ पर इन दोनों केस में 8 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, 12, 8, 20 हो जाएगा, 11 है तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो क्या करें, अब 8 ऐड कर दें, प्रॉपर्टी उसकी नेक्स्ट वाले से मिल जाएगी। रीजन क्या है, ये लोग एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑन मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सेम टू एट एलिमेंट काउंटिंग फ्रॉम एनी वेयर। आप काउंटिंग कहीं से करें, प्रॉपर्टी फर्स्ट एट कैसी होगी, वो होगी कि आपकी सेम होगी। ठीक है, अब यहीं पर एक सबसे अच्छा पॉइंट ये आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, टिपिकल एलिमेंट। चलिए अगला पॉइंट यहीं पर लिखिएगा, टिपिकल एलिमेंट, और इसको हिंदी में नाम देते हैं प्रारूपी तत्व। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग जो है टिपिकल एलिमेंट, क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स, इसको हिंदी में नाम देते हैं प्रारूपी तत्व। क्या नाम देते हैं इसको? प्रारूपी तत्व बोलते हैं। ठीक है, प्रारूपी तत्व। अब ये कुछ सब पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि टिपिकल एलिमेंट क्या होता है। चलिए देखिए, टिपिकल एलिमेंट क्या है, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, ऐसे लिख सकते हैं, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड यानी टू, एन की वैल्यू टू, एंड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। यानी आपके जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं और थर्ड पीरियड एलिमेंट हैं वो कैसे कहलाते हैं? टिपिकल एलिमेंट। लेकिन वो यहाँ पर सेम होने चाहिए, मतलब इसके नीचे वाला इसकी प्रॉपर्टी, इसके नीचे वाला टिपिकल एलिमेंट। जैसे हम बात करें यहाँ पर सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होता है? लिथियम से, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, लीबे बकनोपानी। यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? सोडियम। यहाँ पर होगा आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पता क्या है, ये एल आई एन ए जो है इसी का हम लोग नाम देते हैं टिपिकल एलिमेंट, यानी एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। ये क्या है? टिपिकल एलिमेंट। इसी को हम लोग नाम देते हैं टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आइडियल रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं टिपिकल एलिमेंट। अगर आपको टिपिकल एलिमेंट समझ में आ गया तो आप अभी यहीं पर पढ़ेंगे हम लोग ब्रिज एलिमेंट। अब यही लोग क्या करेंगे, अगर यही एलिमेंट ब्रिज बनाते हैं, यही एलिमेंट क्या बनाते हैं? ब्रिज बनाते हैं, तो वो नाम हो जाएंगे हमारे, ये एलिमेंट कहलाएंगे हम लोग ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल बनाना। पुल क्या करता है? दो रास्तों को जोड़ता है। तो यहां पर क्या करता है, ये दो एलिमेंट को यहां पर जोड़ता है। कैसे? ये देखिए फर्स्ट ए है, तो इसका एक फर्स्ट ए के साथ जुड़ेगा, जैसे एल आई यहां पर क्या आएगा, एन ए है, के आर बी सी एस, ये फर्स्ट ए के हो गए। अगर फर्स्ट ए का एलिमेंट फर्स्ट बी के साथ जुड़ जाए तो उसी का हम लोग नाम देते हैं ब्रिज एलिमेंट। यानी अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं, जैसे आपका कॉपर है, आपका ए जी है, ए यू है, तो ये यहाँ पर जो सोडियम है वो किसके साथ ब्रिज बनाएगा? फर्स्ट ए में पोटेशियम के साथ और फर्स्ट बी में कॉपर के साथ। तो सोडियम इज आल्सो नोन एज ब्रिज एलिमेंट बिकॉज दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज विथ फर्स्ट ए एंड विथ फर्स्ट बी। ठीक, चलिए हटा दो इसको, अब हम लोग हेडिंग लिखते हैं यहीं पर ब्रिज एलिमेंट। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिज एलिमेंट या हिंदी में नाम देते हैं उसको सेतु तत्व क्या होते हैं। चलिए अब लिखिए हेडिंग यहीं पर ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, यहीं पर लिखेंगे हम लोग हेडिंग ब्रिज एलिमेंट। क्या नाम देंगे? ब्रिज एलिमेंट्स। हिंदी में लोग नाम देते हैं सेतु तत्व। क्या नाम देते हैं? सेतु तत्व। ठीक है, सेतु मीन्स होता है ब्रिज बनाना, तो हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं सेतु तत्व। अब देखिए एक्चुअली सेतु तत्व क्या होता है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो ब्रिज बनाते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं सेतु तत्व। तो ये कह सकते हैं इस वाले ब्रिज एलिमेंट के लिए टिपिकल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट टू सेवेंथ ग्रुप। देखिए लिख सकते हैं यहीं पर, अभी हमने पढ़ा टिपिकल इसी संबंधित है, यहीं लिख सकते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए टू सेवंथ है, फर्स्ट ए टू सेवंथ है, इज आल्सो कॉल्ड क्या हो जाएगा? ब्रिज एलिमेंट। यानी जो प्रारूपी तत्व होते हैं, तो फर्स्ट ए से लेकर के सेवंथ ए के तत्वों के जो आपके प्रारूपी तत्व हैं उनको नाम क्या देते हैं हम लोग? ब्रिज एलिमेंट्स। इसकी यही डेफिनेशन है। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए टू सेवंथ इज नॉन एज ब्रिज एलिमेंट। ठीक, अब देखिए यहां पर, चलिए
हम इसके बताते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा था अभी सोडियम, ये फर्स्ट ए का है, तो इसके नीचे क्या बनाएगा, ये फर्स्ट ए का है तो ये बनाएगा फर्स्ट ए के साथ, ये बनाएगा फर्स्ट बी के साथ। मान लो इस साथ में क्या लिया था, मैग्नीशियम ले लिया था, यहाँ लिया था हमने अल्मोनियम लिया था, ठीक। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रहे टिपिकल एलिमेंट होंगे वही लोग ब्रिज एलिमेंट बनाएंगे, और कोई ब्रिज नहीं बनाते हैं, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि थर्ड जो पीरियड के जो लोग होंगे, थर्ड पीरियड मानी थर्ड पीरियड जो लोग एलिमेंट होंगे वो क्या बनाएंगे, ब्रिज एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आपका सेकंड, सेकंड ए का है, तो सेकंड ए का बनाएगा सेकंड ए के साथ, ए का बनाएगा सेकंड ए के साथ, और सेकंड ए का बनाएगा सेकंड बी के साथ, ठीक। हम बताएंगे अभी दिखाएंगे आपको। तो देखिए इसके नीचे क्या एल आई, एन ए के आर बी सी एस, तो यहाँ पर ये किसके साथ बना रहा है, पोटेशियम के साथ, फर्स्ट ए। अब यहाँ पर क्या आएगा, कॉपर ए जी और ए यू, ये किसका बनाएगा यहाँ पर, ये। तो ये बोल ऐसे बोलता है कि सोडियम किस किस एलिमेंट के साथ ब्रिज बनाता है, ठीक। तो आ जाएगा यहाँ पर पोटेशियम और कॉपर। अब ये देखिए मैग्नीशियम, यहाँ पर क्या मैग्नीशियम है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा सेकेंड वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जिंक है, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम बनाएगा किसका बनाएगा, यहाँ पर कैल्शियम के साथ और जिंक के साथ। अब देखिएगा सेकंड ए जो है वो ए और बी के साथ बनाएगा, ये सेम सेम होना चाहिए, सेकंड सेकंड। फर्स्ट ए है वो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के साथ। मान लो यहाँ पर हम थर्ड ए ले लें तो वो बनाएगा थर्ड ए और थर्ड बी के साथ। फोर्थ ए का एलिमेंट बनाएगा फोर्थ ए और फोर्थ बी के साथ। फिफ्थ ए का बनाएगा फिफ्थ ए एंड फिफ्थ बी के साथ। अब आपको दिखा दें प्रोडक्ट टेबल तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिएगा जैसे मान लीजिएगा ये हमारी प्रोडक्ट टेबल है और इसमें आप क्या करेंगे, देखिएगा ये हमारी प्रोडक्ट टेबल है। अभी हम जब ऑफ बाउ रूल पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग ग्रुप ढूंढते हैं, ठीक। देखिए हमारा ये फर्स्ट ए है ये वाला, और ये वाला फर्स्ट है, ये सोडियम है, देखिएगा तो ये सोडियम है आपका पोटेशियम के साथ, और इसी पीरियड का फर्स्ट ए का फर्स्ट बी के साथ, पीरियड सेम होना चाहिए, ठीक। और ये थर्ड, जो ये थर्ड वाले लोग हैं ये शो करेंगे इसमें, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ए इसके साथ में फर्स्ट बी। अब मालूम है ये सेकंड लिया ए, तो सेकंड ए का एलिमेंट जो होगा वो होगा सेकंड ए कैल्शियम और सेकंड बी जिंक के साथ। मालूम है थर्ड का ले लो अल्मोनियम, तो थर्ड ए का अल्मोनियम करेगा गैलियम के साथ और थर्ड बी करेगा स्कैंडियम के साथ। देखिए मान लो वो एल्यूमिनियम किसके साथ करेगा, तो एल्युमिनियम किसके साथ करेगा, आप देख सकते हैं एल्युमिनियम जो करेगा आपका वो करेगा, एल्युमिनियम जो होगा आपका, एल्युमिनियम से क्या है गैलियम, तो ये हो जाएगा गैलियम, ठीक है। अब ये क्या है थर्ड ए, तो थर्ड ए का बनेगा थर्ड ए के साथ और बनाएगा थर्ड बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्कैंडियम, समझ गए ना। तो ध्यान रहे सेम टू सेम अगर होगा तो प्रॉपर्टी जो उसकी जो है वो हम लोग नाम देंगे उसको ब्रिज एलिमेंट्स, ठीक। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ लिया यहाँ पर, ब्रिज एलिमेंट, ठीक। अब एक पॉइंट यहीं पर और पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो आप हेडिंग लिख लीजिएगा यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में, चलिए आप हेडिंग लिख लीजिएगा इसी में, खत्म कर देते हैं इसको भी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। देखिए हेडिंग लिखिएगा नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइडों की प्रकृति, क्या बोलते हैं हम लोग, नेचर ऑफ ऑक्साइड यानी ऑक्साइडों की प्रकृति, ठीक है। ऑक्साइड, ऑक्साइडों की प्रकृति, देखिएगा ये जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है पीरियोडिक टेबल में देखिए ऐसे लिख सकते हैं, और नेचर ऑफ ऑक्साइड या कह सकते हैं ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स आर बेसिक, या लिख सकते हैं एसिडिक कॉमा बेसिक कॉमा न्यूट्रल आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, क्या बोल सकते हैं आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, अम्लीय क्षारीय उदासीन उभयधर्मी होते हैं, यानी तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय उदासीन और उभयधर्मी होते हैं, ठीक। अब कैसे एसिडिक कौन कौन होते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स कैसे होंगे एसिडिक, या लिख सकते हैं हम लोग ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, और न्यूट्रल में
नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ये कुछ निश्चित होते हैं, और एम्फोटेर हमने आप कल बताया था, एम्फोटेर जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं कैसे होते हैं एम्फोटेर, तो ये तो आप हेडिंग प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे, अब देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 होंगे, जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होंगे। ठीक, आउट मोस्ट आप समझ जाएंगे, मान लो यहां पर बोले कि नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रो नंबर 7, तो 2, 5, 5 वाला क्या हुआ नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड कैसा होगा एस डी के नेचर, जैसे मान लो, लेकिन एक दो को छोड़ करके यहां पर जो NO है, N2O है और NO है, ये दो होते हैं न्यूट्रल, बाद बाकी अदर जो लोग होंगे वो कैसे होंगे एस डी, जैसे एग्जाम्पल एस डी में हम लिख सकते हैं N2O4, N2O5, ये कैसे होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, N2O3 होगा यहाँ पर N2O3 लिख सकते हैं, N2O3, N2O4, N2O कैसे होंगे एसिडिक, N2 और NO होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल में केवल बहुत कम लोग हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O और यहाँ पर हम हाइड्रोजन H2O को भी लिख लेते हैं, हालांकि हाइड्राइड है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान रहे, ऑक्सीजन का हाइड्राइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ये कैसा है न्यूट्रल। तो यहां पर HCO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस, ये आ चुका है कई बार परीक्षाओं में कि हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक NO, नाइट्रस N2O। ठीक, ये हो गए न्यूट्रल। तो अब आप देखिए यहां पर केवल हम एग्जाम्पल लिखने होंगे एसिडिक बेस के, आप लोग समझ जाएंगे, अगर आउटर मोस्ट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है एसिडिक इन नेचर, और यहां पर आउट मोस्ट 1, 2, 3 है तो ये कैसा होगा मेटल, तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा बेसिक इन नेचर। हम लोग इसको हटा दें, केवल हम एग्जांपल लिख दें तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये पूछेगा कि मोर एसिडिक मोर बेसिक कैसे पहचानेंगे, तो देखो इसका तरीका है, अगर एसिडिक हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एग्जांपल लिख लेंगे, बहुत सारे N2O5 अभी लिखा था हमने, N2O3, N2O4, N2O4 यहाँ लिख सकते हैं, P2O5 यहाँ लिख सकते हैं, SO2 यहाँ लिख सकते हैं, SO3 यहाँ लिख सकते हैं, CO2 ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, SiO2 यहाँ लिख सकते हैं, आपका Cl2O7। अब आप समझ गए सारे सारे कैसे हैं, ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं, तो ये कैसे हो गए एसिडिक इन नेचर। रीजन क्या है, आप यहां पर ऐसे करा दो वाटर के साथ में, मान लो H2O, तो ये क्या बनाएगा, यहां पर क्या है देखिएगा, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो इसका एक होता है HNO3, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया नाइट्रिक एसिड। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड देन एसिडिक इन नेचर, जब कोई ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके अम्ल बनाता है तो कैसा होता है अम्लीय, और क्षार बनाएगा तो क्षारीय। अब ये हो गया हमारा एसिडिक, अब इसमें बोलेगा मोर एसिडिक कौन सा सबसे ज्यादा, तो ये जो एसिडिक नेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकर संख्या निकाल लो, मान लो यहां पर निकालेंगे +7 आएगी, अब ऑक्सीडेशन नंबर जब सेम हो, मान लो जब सेम हो तो ये क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, मान लो यहां पर लिख लिया हमने N2O5 और यहां लिख लिया हमने P2O5, अब बोले इसमें एसिडिक कौन है, तो आप निकालेंगे इसकी नंबर +5, इसकी नंबर +5, ठीक है, 5 × 2 = 10, 2 × 10 = 10, 1 × 5, 5 × 2 = 10, 2 × 10 = 10, 1 × 5, अब आप देखेंगे इसकी नंबर 5 है, तब कैसे देखेंगे, तो हमको पता है जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फास्फोरस कम, तो मोर एसिडिक क्या हो गया N2O5, बात समझ आ गई, मोर एसिडिक क्या हो जाएगा N2O5, रीजन क्या है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो ऊपर का ऑक्साइड होगा मोर एसिडिक, नीचे होगा कम एसिडिक, तो ये हमारा क्या हो गया एसिडिक ऑक्साइड। ठीक, हटा दें इसको, चलिए अब देखते हैं हम लोग केवल इसमें बेसिक ऑक्साइड, देखिए इतने आप पॉइंट अगर पढ़ लें कंटेंट वो, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई भी आप किताब छूनी नहीं पड़ेगी, ये हमारा जो है दावा है। ठीक है, अगर इतना आपने पढ़ लिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हमने क्या पढ़ा था, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, जैसे मान लो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट AK ऑक्साइड एंड सेकेंड AK ऑक्साइड, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आर बेसिक इन नेचर, अगर दोनों कंपेरिजन करें तो फर्स्ट AK आर मोर बेसिक देन
सेकेंड है, इसमें कंपैरिजन करें तो जब भी हम लोग नीचे जाएंगे यानी ग्रुप में जब मूव करेंगे तो एफ1 क्या होगा, नेचर कैसा होगा, बढ़ेगा यानी इंक्रीज, इंक्रीज बेसिक नेचर ऑन मूविंग इन ए ग्रुप। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग Li2O, और यहां पर लिख सकते हैं हम लोग Na2O, यहां लिख सकते हैं हम लोग Na2O, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहां लिख सकते हैं हम लोग जो है K2O, ठीक है, यहां लिख सकते हैं सीजियम का ऑक्साइड। ठीक, अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, BeO MgO, ठीक, और यहां पर हो जाएगा CaO। अब ये सारे सारे कैसे हैं, बेसिक इन नेचर, लेकिन ध्यान रहे कि नीचे जाने पर बेसिसिटी बढ़ेगी। तो अगर बोलिएगा, अगर देखिए यहां पर सेम नंबर है तो नीचे जाने क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगी। तो सबसे मोर बेसिक कौन होगा, ये वाला, यहां पर इसके नीचे बेसिक कौन होगा, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम SrO, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, बेरियम। तो इस ग्रुप में सबसे मोर बेसिक होगा BaO, ठीक है। तो ये कैसे हो गए हमारे बेसिक, न्यूट्रल हमने आपको बता दिया, न्यूट्रल इतना ही होता है, एम्फोटेरिक हमने पिछले लेक्चर बता दिया था, जो एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्साइड हाइड्रेट दोनों ही कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर में इतना आज कंप्लीट हुआ है, हम लोग अब मिलते हैं सेकेंड थर्ड लेक्चर में इसके। ठीक है, थैंक यू।